हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोशेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए अस्तर की फैब्रिक से मैं इतना सुंदर एक ड्रेस बना के दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आसान तरीके से बना के मैंने दिखाया आप लोगों को। जो नया है वो भी बना लेंगे, तो ज्यादा बात नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अस्तर की फैब्रिक है, प्योर एकदम कॉटन है। इसमें हम ड्रेस बनाएंगे, तो चौड़ाई में सबसे पहले हम देख लेंगे। देखिए 5 इंच मैंने रखा क्योंकि हम सी लेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और इसका लंबाई में हम देख लेंगे कितना है। अब जब भी कपड़ा कटेंगे थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा क्योंकि कम नहीं होना चाहिए। देखिए 30 इंच है। सबसे पहले ये जो साइड है इसको हम सिल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करके हम सिल लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा सिल लिया है। देखिए इस साइड भी मैंने सिल लिया और इस साइड सिल लिया, और इस साइड सिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साइड खुला हुआ नहीं है, ऐसे ही ये मोटा सा है तो सिलने की इस साइड कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। आपके पास जैसा ही लेस है आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं लेस लगा लूंगी। देखिए थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे लेस को लगा लेंगे। मैं पूरा लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके काटेंगे और यहाँ पे पीछे की तरफ मोड़ देंगे क्योंकि तब लॉक हो जाएगी, ये लेस कभी खुलेगा नहीं, ठीक है। और एक मैं लेस ले लूंगी और यहाँ पे मैं लगा दूंगी, ठीक है। इस तरह से गैप करके हम पूरा लेस लगा लेंगे। तो देखिए मैंने लेस लगा दिया और कितना दूरी से गैप मैंने रखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 इंच के आसपास मैंने गैप रखा। अगर आपका हाथ सीधा नहीं है, आप नया हो, तो मार्जिन कर लीजिए, तब आपका हाथ सीधा रहेगा, ये जो गैप है आपको सीधा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है ये जो लेस है इसको सीधा रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर छोटा बड़ा हो जाए तब भी आप दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आपका सीधा होना चाहिए। एकदम 2-3 प्लेट हम लगा लेंगे, उसके बाद सिलेंगे। अगर आप नया हो तो 1-1 प्लेट डालिए और सिल लीजिए। तो देखिए जो नया हो उसके लिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे प्लेट लगा के आप पिन डाल लीजिए, ठीक है, जैसे वैसे, तो आपका सीधा रहेगी। धीरे धीरे हम सिलते जाएंगे। सुई आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्लेट लेंगे और ये जो लेस है इसका बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से प्लेट हम डाल लेंगे और मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। मैंने प्लेट डाल के बना लिया। आप यहाँ पे आयरन मारेंगे, तो कैसे आयरन मारेंगे वो देखिए। सब एक साथ इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इसके ऊपर आयरन चला लेंगे, तो इसका जो प्लेट है वो प्लेट आराम से बैठ जाएगी। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया। अब बना लेते हैं चोली। तो देखिए चोली के लिए मैंने लेंथ लिया मैंने 9 इंच और चौड़ाई में मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच मैंने लिया था, तो दोनों ये साइड मैंने थोड़ा सा मोड़ के सिलाई लगा दिया, तो अब आ गया है 2 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लीजिए और यहाँ पे सिल लीजिए। सिलने के बाद इस तरह से लेस लगा दीजिए। मैंने लेस लगा दिया। अब लेस लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका ऊपर से यहाँ तक सिल लेंगे। कहाँ तक सिलेंगे, यहाँ से लेके 2.5 इंच तक सिल देंगे। देखिए ये जो चोली है इस तरह से हम रखेंगे और ये जो स्कर्ट है ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिल लेंगे, यहाँ से सिल लेंगे यहाँ तक। तो देखिए मैंने चोली मैंने यहाँ पे लगा लिया। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।